नमस्कार साथियों, आज के अप्रोक्स सारे क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी फॉर एडोलसेंट लर्नर से संबंधित है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट या टॉपिक समझा जाता है साइकोलॉजी इंग्लिश के अंदर। हालांकि देखने में तो इसके क्वेश्चंस बड़े इजी आते हैं, लेकिन काफ़ी सेंसिबल होते हैं, उनके आंसर्स देना काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट माना जाता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ। कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये जो आपका लेटर है, ईमेल है, टेलीफोन है, ये किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं? ऑप्शंस आर मैसेज, फीडबैक, मीडियम और एनकोडिंग। ऑप्शंस जो करेक्ट ऑप्शन है इसका है मीडियम, इसको हिंदी में बोलेंगे माध्यम। करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्यम, ऑप्शन नंबर सी। कम्युनिकेशन प्रोसेस में लेटर, ईमेल और टेलीफोन ये सारे आपके माध्यम माने गए हैं, मीडियम माने गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज़ नॉट कंसिडर एज इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग। इनमें से कौन सा फैक्टर जो इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं माना जाता है? नॉट कंसिडर, यहाँ पर नहीं जो आपको दिया गया है, कंसिडर नहीं किया गया है इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर। ठीक है, ऑप्शंस आर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फीडबैक, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स, और डी है कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी भी इम्पोर्टेंट है, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है, और फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अगर टीचिंग कर रहे हो और वहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है, तो भी आप इफ़ेक्टिव रूप से टीचिंग कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी के बिना पढ़ाई करवाना या पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई होती है, पढ़ाया जाता है। अगर 1995 से के पहले की बात करें, तो जब पहले इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी तो पढ़ाया जाता था, तब भी तो टीचिंग होती थी। तो लैक ऑफ टीचिंग यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टीचर इन द क्लासरूम मैक्स एफर्ट। टीचर जो होता है वो क्लासरूम में किसका एफर्ट करता है, किन बातों के लिए एफर्ट करता है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मीन मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्ट का मीन होता है थिंकिंग, सोचना, थिंकिंग। टू प्रोवाइड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आप सभी को पता है कि जो टीचर होता है वो क्लासरूम में एफर्ट करता है इन तीनों ही बातों का, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो ये भी चाहेगा कि जो है टू प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स, और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, टू प्रोवाइड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सो ऑल दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द क्लासरूम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज आर। क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन के प्रकार हैं वो निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शंस है वर्बल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी है नॉन वर्बल इंटरेक्शन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। दोस्तों, क्लासरूम में कम्युनिकेशन दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है नॉन वर्बल, एक होता है वर्बल। सो यहाँ पर दोनों ही बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट आंसर। ये अभी अभी आपके जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है 2018 में, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये वर्बल इंटरेक्शन एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Example of learning by group methods is जो example oblique आर भी दिया गया है. Examples of learning by group methods is options are discussion method, workshop method, seminar method, all these. ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो ग्रुप मेथड में लर्निंग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है. तो आपके डिस्कशन मेथड भी इसी में आता है, वर्कशॉप मेथड भी इसी में आता है, सेमिनार मेथड भी इसी में आता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दीज. ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, ये बड़ी इसमें बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, क्योंकि वैसे तो अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलेसेंट लर्नर में से अभी तक भी एक भी डेफिनेशन नहीं पूछी गई है फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में, क्योंकि ये बड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेंसिबल टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं. लेकिन शायद क्योंकि ये वाली जो अगर डेफिनेशन अगर आती है एग्ज़ाम में, तो ये वाली डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. PGT और TGT के एग्जाम्स में भी अधिकतर टाइम्स यही डेफिनेशन पूछी गई है. देखते हैं, द एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल इज डिज़ाइंड टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स. इट वॉज सेट बाय द डेवलपर ऑफ द मॉडल हुज नेम इज. नाम पूछ रहा है कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी है. द एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल इज डिज़ाइन टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स. ऑप्शन अपन देख लेते हैं पहले. ऑप्शन ए है डेविड आसूबेल, वॉल्टर मुनरो, GB बॉज एंड JP गिलफोर्ड. इसका करेक्ट आंसर है डेविड आसूबेल, क्योंकि डेविड आसूबेल का नाम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलेसेंट लर्नर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. तो आपको इस डेफिनेशन से डेविड आसूबेल का नाम लिंक करना है. हालांकि जहां भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम चांसेस यही होंगे कि उसका आंसर डेविड आसूबेल ही होगा. अगर आप चाहें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेफिनेशन दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अपन उस पैटर्न पर काम कर रहे हैं जिस पैटर्न पर अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, उसी पैटर्न पर अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, डेट्स वाई मैंने अवॉइड किया है इस टॉपिक से डेफिनेशंस देने को. एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज ओपिनियंस इमोशंस बाई टू और मोर पर्सन्स इज कॉल्ड. जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है फैक्ट्स का, आइडियाज का, ओपिनियंस का और इमोशंस का बाई टू और मोर पर्सन्स, इसको क्या कहा जाता है. आप सभी को पता है इसको अपन कहेंगे कम्युनिकेशन. ठीक है, और आई थिंक दूसरे ऑप्शंस की बात करना यहाँ पर वाजिब नहीं होगा. टीचिंग है, इंफॉर्मेशन है और लर्निंग है. ठीक है, कम्युनिकेशन इसका आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स. कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है. ऑप्शंस आर टू और मोर टीचर टीच टुगेदर, टू और मोर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, टू और मोर क्लासेस आर क्लब टुगेदर, क्लासेस और क्लब टुगेदर और क्लब टुगेदर, टू और मोर सब्जेक्ट्स आर टॉट टुगेदर. तो बड़े कन्फ्यूजन वाले ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यहाँ है टू और मोर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसी को बोलेंगे अपन कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स, सॉरी कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग इज इक्वल टू टू और मोर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर. ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, जनरल सेंट्रिक और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक. तो क्लासरूम कम्युनिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट सेंट्रिक. ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर अभी साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, एम्फेसिस दिया गया है, बल दिया गया है. डेट्स वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सेंट्रिक. दोस्तों इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलेसेंट लर्नर्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे.
आगे भी मैं इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस और भी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। आपका जो एग्ज़ाम्स का जो टाइमिंग है, जो डेट्स है, वो भी आयोग ने डाला हुआ है 13 से, और जो भी 24 तक है वही है अभी। लेकिन बेरोजगार संघ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मांगी उठाई जा रही है कि एग्ज़ाम्स को आगे बढ़ाया जाए आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी जो आपके सीएम है, उन्होंने साफ मना किया है। कल ही एक कोई क्लिप आया था, उनमें सीएम साहब साफ मना कर रहे हैं कि पेपर छप चुके हैं, पेपर का प्रिंट हो चुका है, तो अभी संभावना नहीं है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। ये जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि एग्ज़ाम छूट बढ़ेगी, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अफेक्ट नहीं करती होगी। धन्यवाद दोस्तों।